गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक मिनी ब्लॉग, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम जो हमारे घर में जेंट्स की वार्डरोब अलमारियाँ होती हैं, वो उनको किस तरह से व्यवस्थित करें। तो अक्सर ये शिकायत देखने को मिलती है कि उनकी अलमारी बार बार फैल जाती है। वो इसलिए फैल जाती है कि हम सारे कपड़ों को मिक्स करके रखते हैं, और हम इस तरह से व्यवस्थित करके रखेंगे तो उनकी अलमारी नहीं फैलेगी। तो उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे जितने भी उनके कोट वगैरह होते हैं, कुछ प्रेस की शर्ट होती हैं, उन सबको हमें इस तरह से हैंगर में टक करके टांग देना है, और फिर आप हैंगिंग कर में टांग देंगे। और फिर उसके बाद जो हमारी उनकी वो फॉर्मल टी शर्ट होती हैं, जिस तरह से मैंने इस तरह से लंबाई में तय करके रखी है, इस तरह से उनको दिखाई भी दे जाएगी। और उनकी जो फॉर्मल टी शर्ट जितनी है, उनको हम इस तरह से एक साइड रख देंगे, जो उनकी कुछ प्रेस की शर्ट है उनके साथ। और ये हम उनकी जो कैजुअल टी शर्ट हैं, उन कैजुअल टी शर्ट को हम एक साथ रख देंगे सारा, जिस तरह से छोटी तय बनाकर। और जो उनके अंडरगारमेंट्स हैं, उनको सबसे आगे रखना है, क्योंकि उन्हें ढूंढने के चक्कर में वो सारा वार्डरोब फैला देते हैं। और एक टॉवल को हम रखेंगे बिल्कुल उसके अंडरगारमेंट्स के बराबर में, इस तरह से। और इस तरह लोअर जो है उनका, और हाफ पैंट वगैरह होता है, उसको हम साइड में पतली पतली तय बनाकर इस तरह से रख देंगे, तो काफ़ी स्पेस भी हो जाता है। और जींस को रखने का तरीका भी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इस तरह से मैंने कॉर्नर में, ये देखिए, जींस को मैंने एक साइड में सारी जींस रख दी हैं, तो उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि जींस कहाँ हैं, लोअर कहाँ हैं, अंडरगारमेंट्स कहाँ हैं, और फॉर्मल टी शर्ट किधर हैं, कौन सी पहननी है। उन्हें सामने ही टी शर्ट सारी दिखाई दे जाएंगी, और वो अपने आसानी से अपनी टी शर्ट को ले सकते हैं। और सारी शर्ट जो हैं प्रेस की, हमने उनको भी नीचे की ओर रख दिया है, और कुछ हमने हैंगिंग में लगा दी हैं शर्ट और कोट उनके। और अब मैं आपको बताती हूँ जींस की घड़ी करना, कि आपका अलमारी में कम स्पेस घेरे उसके लिए हमें जींस को किस तरह से घड़ी करना है, वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे इस तरह से हमारी ये हमने ये वाली जींस ली है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके लंबाई में ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया बराबर से, ये देखिए। और फिर हम इसके यहाँ तक इसको लेके जाएंगे, और ये देखिए हमने इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और फिर इतना ये वाला हिस्सा जो है, इसको हम इतना डिवाइड कर लेंगे, ये देखिए हमने इसको इतना डिवाइड किया फोल्ड करके, और फिर हमने इसको पैंट को इधर से मोड़ दिया। तो ये जींस की पतली तय बनी है इस तरह से छोटी सी। और ये इस तरह के आप जींस को रखेंगे अपने अलमारी में, तो स्पेस भी कम लेगी, और आप आसानी से जेंट्स के जो कपड़े हैं उनको व्यवस्थित रख सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से सारी जींस व्यवस्थित हो जाएंगी, और आपको देख भी सकते हैं कि सबके कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आगे से ही, तो उन्हें ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और लोअर को, क्योंकि जब इवनिंग में आते हैं घर वापस जेंट्स लोग, तो उनको लोअर इसकी ज़रूरत होती है, तो कभी भी पैंट और लोअर को मिक्स करके ना रखें, अंडरगारमेंट्स को अलग ही रखें, कैजुअल टी शर्ट सामने अलग रखें, और फॉर्मल टी शर्ट अलग रखें। तो इस तरह से उनका वार्डरोब कभी नहीं फैलेगा। उनके टाई वगैरह है उसको साइड में रखें, बेल्ट वगैरह को इस तरह से ड्रॉर में रख दिया जाए, तो आप इस तरह से जेंट्स की अलमारी को व्यवस्थित रख सकते हैं, और आपका वार्डरोब फैलेगा भी नहीं। तो ये था आज का मिनी ब्लॉग, मेरा मिनी ब्लॉग होम मेकिंग टिप्स का। ये मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ।